बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है। यारों बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, मोदी जी कहते हैं प्राणियों में दुर्भावना। इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा? मैंने कहा जो भी प्रधानमंत्री होगा नाले के गैस से चाय नहीं बनवाएगा। यूजन सभा के प्रदेश के अध्यक्ष भाई अरविंद गिरी जी, समाजवादी पार्टी के हमारे तमाम नेतागण, जिला अध्यक्ष जी, विधानसभा के अध्यक्ष, यूजन सभा मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड लोहिया वाहिनी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे साथ सुल्तानपुर से चल के आए लोकसभा के वहां के प्रत्याशी शकील अहमद साहब, समाजवादी पार्टी के पूर्व सचिव प्रदेश के शशि सिंह जी, हमारे आम आदमी पार्टी पूर्वांचल के प्रदेश के अध्यक्ष भाई राजेश यादव जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी, पवन तिवारी जी जो काशी प्रांत के अध्यक्ष हैं, और हमारे मऊ के जिला अध्यक्ष जी, उपस्थित साथियों और दोस्तों, कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें, वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर के आंसू बहाने। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का, इंसानियत का, मानवता का तथ्य किया जाए। कभी हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी हिंदू सिख करते हैं, कभी हिंदू ईसाई करते हैं, और जब तीनों का झगड़ा समाप्त कर लेते हैं तो हिंदू को हिंदू से झगड़ा कराते हैं, जाट को गैर जाट से झगड़ा कराते हैं, मराठा को गैर मराठा से झगड़ा कराते हैं। तो इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम बदल के भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया। भारतीय जवान को हम रिटायर कर देंगे, 17 साल में सेना के अंदर
पूर्वांचल का, घोसी का, गाजीपुर का, बलिया का, वो -45 डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन में भारत की रक्षा करेगा, +50 डिग्री टेम्परेचर में जैसलमेर में भारत की रक्षा करेगा, और अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनेगा। ये व्यवस्था हम बदलना चाहते हैं। मोदी जी कहते हैं आप लोगों की संपत्ति लूट के मुसलमानों को दे दी जाएगी। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं और आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी का सबसे करीबी दोस्त कौन है भाई? जोर से बोलिए नाम। सुनाई पड़ना चाहिए मोदी को। कोयला किसको दिया? गैस किसको दिया? जोर से बोलिए भाई, लगना चाहिए कि आपके आवाज में। गैस किसको दिया? बिजली किसको दिया? पानी किसको दिया? सड़क किसको दिया? पोर्ट किसको दिया? एयरपोर्ट किसको दिया? पूरा हिंदुस्तान अदानी को दे दिया। आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ अदानी को दे दिया। मैंने संसद में मोदी के सामने नारा लगा दिया, मोदी अदानी भाई भाई देश बेच के खाई बनाए। मोदी कहने लगे संजय सिंह तो बहुत बोलता, मुझे पकड़ के 6 महीने जेल में रखा मोदी जी ने। 6 महीने के बाद जिस दिन से निकला हूं इनकी लंका लगाने में लग गया हूं। तुरंत इनकी लंका लगाने के लिए लग गया हूं। अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा, मनीष सिसोदिया को अभी तक जेल में रखा हुआ है, सत्येन जैन को जेल में रखा, संजय रावत को जेल में रखा, अनिल देशमुख को जेल में रखा, ममता बनर्जी के लड़कियों को जेल में रखा, तेजस्वी यादव लालू यादव को नोटिस भेजते हैं, अखिलेश यादव को सीबीआई के नोटिस भेजते हैं। ये आपका भाई जो राजीव राय बैठा हुआ है इसके ऊपर ईडी के छापे मारे। आपको शर्म आएगी कैसे सवाल इनसे पूछे गए। इनसे जानते क्या सवाल पूछा गया? मोदी के अधिकारियों ने इनसे सवाल पूछा कि आपकी आपने अपने पत्नी को 2000 रुपए क्यों दिए? मजाक नहीं करो, गलत तो नहीं बोल रहा भाई राजीव राय जी, गलत बोल रहा हूं तो मुझे रोक दीजिए। 12000। चलिए ठीक कर देता हूं। बोले आपने अपनी पत्नी को 12000 रुपए क्यों दिए? मोदी जी जिसको पत्नी होती है उसी को तकलीफ का पता होता है। के रिश्तों की पवित्रता के बारे में भी नहीं मालूम, और आपको पत्नी की क्या क्या जरूरतें और तकलीफें होती हैं यह भी नहीं मालूम। मैं निंदा करता हूं ऐसी जांच आप राजीव राय के खिलाफ कराते हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? इतना परहेज, इतनी नफरत। मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव, 5 साल मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के। जब अखिलेश यादव जी अपना घर खाली करते हैं गंगा जल से उनका घर धुलवाया जाता है। शर्माती है भाजपा की सोच में। अभी कन्नौज के अंदर अपनी पत्नी के साथ अखिलेश यादव मंदिर की पूजा करने चले गए, मंदिर को गंगा जल से धुलवाया गया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग इस तरह से नफरत करते हैं, भेदभाव करते हैं, दुर्भावना रखते हैं, जिन्होंने देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को राम मंदिर के शिलान्यास में नहीं बुलाया, जिन्होंने श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया, जो अखिलेश यादव का अपमान करते हैं, जो भेदभाव करते हैं, जो नफरत करते हैं, उनको अपने वोट की ताकत से आपको जवाब देना है। बोलो तैयार हो आप लोग? तैयार हो ना? ये देश 144 करोड़ लोगों का देश है। ये देश किसी एक जाति का नहीं है, किसी एक धर्म का नहीं है। ये देश हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, अगर का भी है, पिछड़े का भी है, दलित का भी है, सवर्ण का भी है। जो लोग भेदभाव करेंगे उनकी राजनीति को हम लोग खत्म करने का काम करेंगे, मिलकर खत्म करने का काम करेंगे। नफरत की बुनियाद पर दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं जा सकता। मोहब्बत की बुनियाद पर इस देश को हमें आगे बढ़ाना है। आप मुसलमानों को डराते रहते हैं, दिन रात डराते रहते हैं। मैं मोदी जी आपको एक जानकारी दे देता हूं, ये जो मुसलमान कौम है ना, ये सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, किसी और से डरते हैं। इंसान से डरते हैं। तो डराने का काम आप बंद करो, आप डराने का काम बंद
धर्म क्या सिखाता है? हिंदू धर्म कहता है रामचरितमानस की चौपाई कहती है सब नर कर ही परस्पर प्रीति, सारे लोग आपस में प्यार से रहे, ये हिंदू धर्म का संदेश है। हिंदू धर्म कहता है वसुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, मोदी जी कहते हैं प्राणियों में दुर्भावना। कहते नहीं कहते पाते हैं। कहते हैं ना, और बड़े अद्भुत आदमी है शिवपाल जी। आप बैठे हमसे पत्रकारों ने पूछा संजय सिंह जी इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा, मैंने कहा जो भी प्रधानमंत्री होगा नाले के गैस से चाय नहीं बनवाएगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नाले के गैस से चाय बनवा देते हैं। लाखों लोग कोरोना में मर रहे थे, उनकी जान जा रही थी, आंकड़े आए हैं 50 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। और मोदी जी कहते थे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, दवा की जरूरत नहीं है, रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है, कोरोना ठीक करना ताली बजाओ थाली बजाओ दिया जलाओ कोरोना ठीक है। भाग नहीं का पूरे देश का मूर्ख बना रखा है। मोदी जी की एक ही गारंटी है, आप पूछेंगे क्या गारंटी? मोदी जी ने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, झूठ बोला। किसानों को 2 गुना आमदनी कर देंगे, झूठ बोला। महंगाई कम करेंगे, झूठ बोला। रुपया मजबूत करेंगे, झूठ बोला। पक्का मकान देंगे, झूठ बोला। काला धन लाएंगे, झूठ बोला। 15 लाख देंगे, झूठ बोला। बुलेट ट्रेन चलाएंगे, झूठ बोला। मोदी की एक ही गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी। और इसीलिए हमने बीजेपी का नाम रख दिया बड़का झूठा पार्टी। बड़का झूठा, बड़का झूठा पार्टी, झूठ बोलने वालों की पार्टी। साथियों और दोस्तों, आज नारा दे रहे हैं मोदी जी 400 पार। गए थे बंगाल में, कहने लगे 200 पार। आई 73 सीट। गए झारखंड में, कहने लगे 65 पार। आई 23 सीट। गए महाराष्ट्र में, कहने लगे 150 पार। आई 105 सीट। गए कर्नाटक में, कहने लगे 130 पार। आई 65 सीट। गए हरियाणा में, कहने 75 पार। आई 40 सीट। गए दिल्ली में, कहने 45 पार। आई 8 सीट। गए मिजोरम में, कहने 21 पार। आई 1 सीट। अब कहने 400 पार। जनता करे तड़ी पार, तड़ी पार। राज्यसभा की जिम्मेदारी हमारी है, जिम्मेदारी ठीक से निभाता हूँ कि नहीं भाई? ठीक से निभाता हूँ ना? परेशान रहते कि नहीं? हमें कई बार मार्शल से घसीट के बाहर करवाया था, मैं कहता हूँ सस्पेंड कराया, अभी भी सस्पेंड किए हुआ। मेरा दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया, मैं हिंदुस्तान की आजादी का पहला सांसद हूँ, दूसरी बार चुनके आया तब भी मेरे लिए संजय सिंह सस्पेंड रहे, इतना घबराते हैं। तो हम राज्यसभा में जिम्मेदारी लेते हैं, वचन देते हैं आपको आपकी लड़ाई लड़ने की, राजीव राजी को लोकसभा में भेज दीजिए, दोनों भाई लेकर लड़ेंगे, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और पुनकर की समस्याओं को देश के सदन में उठाने का काम आपके इस छोटे भाई ने किया है, आगे भी आपकी लड़ाई को लड़ने का काम, उस मुद्दे को सदन में उठाने का काम करेंगे। रोजगार चौपट है, पूरी तरीके से देश को बर्बादी के कगार पे पहुंचा दिया। आज प्रधानमंत्री जी के पास देश के लिए कोई सपना नहीं है, सिर्फ झगड़े लड़ाई कराना है, लोगों के बीच में बंटवारा करना है, लोगों को आपस में लड़ाना है। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, अपील करने के लिए आया हूं, विनती और प्रार्थना करने के लिए आया हूं, यह अंतिम मौका है, याद रखना। अगर गलती से बीजेपी जीत
गई तो इस देश के अंदर चुनाव खत्म होगा, पुतिन का मॉडल लागू होगा, किम जोंग का मॉडल लागू होगा। ये चुनाव भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है, ये चुनाव मोदी को ये बताने का चुनाव है कि ये देश बाबा साहब के संविधान से चलेगा, नरेंद्र मोदी के फरमान से नहीं चलेगा। ये देश के लोगों को तय करना है। ये चुनाव ये बताने का चुनाव है कि आरक्षण की व्यवस्था जो दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, अल्पसंख्यकों को इस देश के अंदर मिली हुई है, वो आरक्षण की व्यवस्था हम खत्म नहीं होने देंगे। ये चुनाव, इस चुनाव को बचाने के लिए अपनी अपना वोट कीजिएगा। मैं अपने निर्णयों के साथ कि ये अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में बहनों का तन बिक रहा है, यारों बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं और गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर अभी आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, बदल डालो अब इस तालाब के पानी को, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं, कमल के फूल तो मुरझाने लगे हैं। राजू राय को आपको जिताना है, मैं फिर से विनती कर रहा हूं आपसे, जिताएगा तो हाथ उठा के बताइए। पीछे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।